नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बची हुई रोटी से चॉकलेट केक बनाएंगे। ये चॉकलेट केक खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा और ये बहुत आसान है बनाना। जिसको भी आप खिलाएंगे वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा कि ये बची हुई रोटी से बना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे रात की बची हुई रोटी ली है, 3 रोटी है यहाँ पे, और ये बिल्कुल एकदम करारा हो गया है, पापड़ की तरह कड़ा हो गया है ये। तो इसको मैंने कड़ा ऐसे किया है कि इसको रात में जब रोटी बची तो मैंने इसी प्लेट में करके इसको फ्रिज में रख दिया था, और इसको किसी भी चीज़ से नहीं ढका था, ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो ये सुबह में ऐसे कड़ी हो गई है। और आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं इस तरह कड़ी, तो फिर आप पंखे की हवा में इसको रख दीजिए और किसी जाली से ढक दीजिए, फिर सुबह तक वो कड़ी हो जाएगी, या दिन में भी रख सकते हैं। इस तरह भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक तवा लीजिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए, गैस फ्लेम को लो कर दीजिए। लो गैस फ्लेम पे दोनों साइड से इसको सेक लीजिए तो भी ये करारा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। तो इस तरह हम कर लिए हैं रोटी को। और एक छोटा चम्मच हम यहाँ पे कोको पाउडर लिए हैं, और 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। चीनी आप अपने पसंद अनुसार ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 से 3.5 चम्मच लिया है। और बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वेनिला एसेंस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ऐसे इस तरह तोड़ लेंगे रोटी। ये देखिए मैंने रोटियां तोड़ ली हैं। तो अब इसको बंद करके हम ग्राइंड कर लेंगे। ये कड़ी है, करारी है, तो इसलिए जल्दी से ग्राइंड हो जाएंगी। मैंने इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये तैयार है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और मैंने आपको बटर नहीं बताया था, तो हम 1 से 1.5 चम्मच बटर लेंगे। और केक का बैटर तैयार करने के लिए दूध लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 चम्मच बटर लिया है, और ये मेरा होममेड बटर है। तो इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि अच्छे से ये मैट हो जाए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, ये पीसी हुई चीनी है। मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के चीनी और इसको पीस के पाउडर बना लिया है। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। ये अच्छे से मिल गया है। तो इसमें हम दूध डालेंगे। पहले हम लगभग आधा कप दूध डालेंगे, और ये कोको पाउडर डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। देखिए इसको मैंने मिला लिया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, और ये वेनिला एसेंस डाल देंगे। इसको भी मिला लेंगे ऐसे। अब मैंने एक कढ़ाही लिया है और उसमें नमक डाल के और गैस पे चढ़ा दिया है। गैस फ्लेम को हाई रखा है और कढ़ाही को एक प्लेट से ढक दी हूँ। ये देखिए ये रोटी मैंने जो इसको ग्राइंड करके रखा है, तो इसको इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा लेंगे, बहुत थोड़ा सा लेंगे। ये देखिए और आधा छोटा चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे, इसको भी मिला देंगे। और इन सब चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। इसका बैटर हम थोड़ा सा, जो केक बनाने का बैटर होता है उसे थोड़ा सा हम गाढ़ा रखेंगे। ये देखिए अब ये ठीक है, और मिल भी गया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम एक कोई स्टील का बर्तन है कुछ है जिसमें हमको केक बनाना है, वो लेंगे। और इस पे ऐसे हम बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है नीचे। देखिए बटर पेपर लग गया है। तो अब हम इस बैटर को इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए।
इसको एक से दो बार हम ऐसे टैप कर देंगे ताकि एयर निकल जाए। अब ये कढ़ाई में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। देखिए कढ़ाई को गर्म होते 6 से 7 मिनट हो गया है, तो हम इसको हटाएंगे और ये केक वाला बर्तन हम ऐसे इस पे रख देंगे और इसको फिर से ऐसे ढक देंगे और गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड भी रखा है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के बाद चेक करेंगे। 6 से 7 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए केक बनके तैयार है, ये ठंडा भी हो गया है, तो इसको हम अब निकालेंगे। एक प्लेट लेंगे और ऐसे करके उल्टा कर देंगे। ये देखिए बची हुई रोटी से चॉकलेट केक बनके तैयार है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बची हुई रोटी से बनी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही स्पंजी है ये। ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है, बहुत ही अच्छा है ये। इसको आप जरूर बनाइएगा। अगर मेरी ये केक बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।